कांग्रेस नेता दीपक बावरिया का ऐलान, पार्टी आप सरकार को जनता की अदालत में करेगी बेनकाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन लेखनी न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली कांग्रेस इकाई के नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से बातचीत करने का फैसला लिया है। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जनहित के मसलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी। दिल्ली कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। दिल्ली कांग्रेस की नवनियुक्त प्रभारी दीपक बावरिया की ओर से बुलाई गई पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में राजनीतिक और संगठनात्मक पहलुओं से संबंधित दो मसलों पर प्रस्ताव पारित किए गए। दिल्ली कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दीपक बावरिया ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के प्यार के संदेश को फैलाएगी, क्योंकि नफरत की राजनीति के खिलाफ उनकी लड़ाई की गूंज पूरे देश में है। हम लोगों के साथ घर घर जाकर बातचीत पर ध्यान केंद्रित करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को और अधिक सक्रिय करेंगे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी को जनहित के मसलों पर जनता की अदालत में कटघरे में खड़ा करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आपने दिल्ली की जनता को केवल धोखा देने का काम किया है। आप और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू। आपको बता दें कि गुजरात के कांग्रेस नेता बावरिया ने दिल्ली सरकार के प्रभारी का कार्यभार औपचारिक रूप से शनिवार को राजीव भवन में ग्रहण किया था। दिल्ली प्रभारी का पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको 13% वोट हासिल हुए, लेकिन केजरीवाल ने पिछले 6 महीनों में राज्य का एक बार भी दौरा नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।